आज हम जो है वो हमारा ये टॉपिक है कि बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में। तो मेरे कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। बर्थ तो वकील साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि बर्थ सर्टिफिकेट क्या है? सर्टिफिकेट होता है, पैदाइशी सर्टिफिकेट कहते हैं, जो कि हर पाकिस्तानी सिटीजन जो दुनिया भर में कहीं पर भी पैदा हो उसका राइट है कि वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सके। इसको उर्दू में आमतौर पर पैदाइशी सर्टिफिकेट कहते हैं, जो कि अब नादर इशू करता है। नादर जो है वो अब यूनियन काउंसिल के थ्रू करता है, जो कि पूरे पाकिस्तान में सिमिलर स्टैंडर्ड SOP के तहत होता है। जो कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है, आप पाकिस्तान में किसी हिस्से से, KPK से, कराची से, हैदराबाद से, लाहौर से, किसी जगह से भी आप बनवाएंगे, वो पूरे पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि ये कब बनवाया जाता है? ये आमतौर पे जब ये बनवाया जाता है, जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसके तकरीबन जब नाम डिसाइड हो जाता है, जब फाइनलाइज हो जाता है नाम, तो उसके बाद बेहतर तरीका है कि उसके 7 या 10 दिन के अंदर बनवा लिया जाए। वैसे इसको आप 18 साल तक ही बनवा सकते हैं, लेकिन वो लेट के उसमें आता है, और जो शुरू के 3 महीने के अंदर बनवाया जाता है वो नॉर्मल में कंसीडर किया जाता तो आप मुझे ये बताइएगा कि इसकी फीस कितनी है? है। इसकी फीस 200 से लेकर 3,500 रुपए तक है, जिसकी इसकी फीस है 200 से लेकर 3,500 तक। 200 उन लोगों की फीस है जो कि शुरू के लेवल में, शुरू के 10 दिन के अंदर बनवा लेते हैं, उनकी 200 रुपीज फीस है, जो पूरे कंटोनमेंट बोर्ड और बलदियात इदारे जो जिम्मेदार है इसके बनाने के, जो कि थ्रू नादर बनता है। इसका जितना भी डेटा होगा वो सब नादर के अंदर ही जाता है। हाँ ठीक है, ये मुझे काफी चीजें से क्लियर हुई हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और भी है, वो ये है कि आप मुझे बताइए कि क्या ये बर्थ सर्टिफिकेट पूरे पाकिस्तान यानी कराची, हैदराबाद, सिंध, पंजाब, लाहौर, बलूचिस्तान, कोयटा और केपी के जो है वो उसमें भी वैलिड है? बिल्कुल, जो बर्थ सर्टिफिकेट जो आप इशू कर रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान में एक माहदे के तहत नादर इशू करता है। जो नादर डेटा कलेक्शन के सेंटर जिस तरह होते हैं, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं और बलदियात इदारे हैं, वो जितना भी डेटा होगा वो सब नादर को शेयर करेंगे। जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें आप जरूर देखेंगे, उसमें नादर की ट्रैकिंग आईडी होती है, उस ट्रैकिंग आईडी से पता चलता है कि ये नादर के रजिस्टर्ड बर्थ सर्टिफिकेट है। इसलिए कि अब जो पर्ची के ऊपर जो बर्थ सर्टिफिकेट बनता था उसकी कोई हैसियत नहीं। अच्छा ठीक है, अब मेरा एक और क्वेश्चन खोली जो मेरे जहन में आ रहा है, वो ये है कि जब हम ये बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे तो हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए? बर्थ सर्टिफिकेट के बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत है, जिसमें आपको वालदैन का शनाख्ती कार्ड, जिसमें अम्मा का शनाख्ती कार्ड और अब्बा का शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है, और तीसरा अगर आपके पास हॉस्पिटल का बर्थ सर्टिफिकेट कहलाती है, वो बेसिकली ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होता, हॉस्पिटल का एक पर्ची होती है, हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट होता है कि इस बच्चे की बर्थ हुई है, तो वो सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं होता तो आपको स्टैम्प पेपर के ऊपर, जिसकी मलकियत 50 रुपए से ज्यादा की होना चाहिए, उसके ऊपर आपने डिक्लेरेशन करनी है कि बच्चा इस तारीख को, इस दिन, इस मकाम के ऊपर पैदा हुआ है। अच्छा, मुझे कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया है पेरेंट्स से कि उनके यहाँ जो जो बच्चों की बर्थ हुई है तो वो किस तरह से पाकिस्तानी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएंगे? बिल्कुल, उनका आसान तरीका है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी खासकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहते हैं, उनको ऑलरेडी वहाँ की सिटीजनशिप उनके जो बच्चे होंगे उनको मिल जाए करेगी। अच्छा, उसके साथ उन लोगों के पास एक और एडवांस ये होता है कि उनको पाकिस्तानी की नेशनलिटी भी उनको मिलती है, मतलब वो जो बच्चे होते हैं उनको डूल नेशनलिटी मिलती है। उनके लिए बिल्कुल आसान तरीकेकार है, उस पाकिस्तानी नेशनलिटी को भी अवेल करें और अमेरिकन सिटीजन को भी अवेल करें। उसका तरीकेकार ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो कंसर्न उनके कोई रिश्तेदार हों, पेरेंट्स हों, तो उनके थ्रू ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे कि उनकी चीज, उनको रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ये होते हैं कि उनको अपना शनाख्ती कार्ड, अपना पासपोर्ट, अपनी वो अपनी मतलब जो बच्चा है उसके अम्मा का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड, जो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है वो, और उनका एक ब्लड रिलेटिव जैसे कि उनके चचा, मामा, ताया या कोई और जो उनके खुद रिश्तेदारों में शामिल होगा बच्चे का, वो भी एप्लीकेंट बन सकता है। अच्छा, जो उसके नीचे एप्लीकेंट आता है, उसके नीचे जो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है नादर का, तो नादर के बर्थ सर्टिफिकेट में एक और चीज आता है कि बच्चे का लिखा जाता है कि वो स्टे कहाँ पर करता है, जिस तरह के प्लेस ऑफ बर्थ लिखा जाता है उसमें प्लेस ऑफ स्टे भी आता है। वो खास कर वो मेंशन करवाएं कि प्लेस ऑफ बर्थ हम इस अमेरिका, और जो एप्लीकेंट है वो उसके जो रिश्तेदार है वो भी लिखते हैं कि मैं, और वो अभी ये भी लिखवाए कि मैं अभी कहाँ पर प्रेजेंट हूँ। ये चीजें बहुत जरूरी है लिखवाने के लिए, ताकि उनको कल को POC बनवाना होगा, NIC बनवाना होगा, तो बहुत आसानी से ये चीजें बन जाएंगी। इसलिए कि बेसिक डॉक्यूमेंट जो होता है वो बर्थ सर्टिफिकेट ही होता है, जो कि आगे जाके नगर में एंट्री का जरिया बर्थ सर्टिफिकेट।
और इनकी फीस वगैरह कितनी होगी, अगर आपका कुछ आइडिया है तो आपको बताइए। इसकी फीस बिल्कुल वही है जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। अगर वो पाकिस्तान के अंदर से अप्लाई करेंगे उनको, अगर वो 10 दिन के अंदर करेंगे तो उनको वही उनको फीस उनको जो 50 रुपये पड़ेगी, और जो थोड़े दिनों बाद करेंगे उनको 200 रुपये पड़ेगी, और जो लेट करेंगे उनको तकरीबन 3,500 रुपये से अब पड़ जाएगी। अच्छा आप मुझे ये बताइएगा कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी कनाडा में रहते हैं और वो जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों की बर्थ जो है वो वहीं कनाडा में हुई है, तो वो किस तरह से पाकिस्तानी बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ बनवा सकते हैं? इसका बिल्कुल आसान तरीकेकार है, जो भी हुकूमत पाकिस्तान है बहुत इसको आसान कर दिया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वैसे ही इतनी मुश्किल थी, लेकिन अब बर्थ सर्टिफिकेट इन्होंने बहुत आसान कर दिया। इसका तरीकेकार है कि जिस जगह पर उनके पेरेंट्स रहते हैं, खासकर फादर की जहाँ पर पाकिस्तान में रहने की जगह है, तो वहाँ पर वो एप्लीकेशन देंगे। जो एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन जो होगा वो थ्रू होगा, जिस तरह के ब्लड रिलेटिव जो होते हैं, जैसे कि चचा ताया या इनके कोई खूनी रिश्तेदार होते हैं, बच्चे के दादा होते हैं जो पाकिस्तान में कहीं पर भी रहता हो, तो वो अप्लाई कर सकते हैं अपने, तो जो एप्लीकेंट हो, जो बच्चा हो, उसके लिए कर सकते हैं बनवाने के लिए। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे, कनाडा के जो पेरेंट्स हैं वो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो उनको क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे? इसको उनको बिल्कुल 4 डॉक्यूमेंट जमा करवाना पड़ेंगे, जिसमें पेरेंट्स में सबसे पहले फादर का NIC होगा और पासपोर्ट होगा, मदर का NIC होगा पासपोर्ट होगा, बच्चे की प्लेस ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट होगा, जैसे कि हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट होगा जो कि कनाडा का होना जरूरी है, और उसके साथ जो एप्लीकेंट होगा जो पाकिस्तान में अप्लाई करवाएगा, जो इनके बिहाफ पर अटॉर्नी और प्रॉक्सी बनेगा, तो उसका NIC होना जरूरी है। और ये जो एप्लीकेशन जो होगी, यानी कि एप्लीकेशन दायर की जाएगी तो उस जगह पर की जाएगी जहाँ पर वालिद या दादा रहते होंगे। जिस तरह अगर आप कराची के रहने वाले हैं, कराची में अगर आप डिफेंस में रहने वाले हैं तो उस जगह पर आप कंटोनमेंट बोर्ड में अप्लाई करेंगे। इसी तरह आप लाहौर के रहने वाले हैं तो लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड में या लाहौर में CDA की जो अथॉरिटी है उसकी तरफ आप रहने वाले हैं तो आप उधर अप्लाई करेंगे। अच्छा मुझे इसकी जरा फीस अगर आपको मालूम हो तो या आइडिया हो तो जरूर बताइएगा। इसकी फीस बिल्कुल वही है, अगर कंटोनमेंट बोर्ड और दीगर बोर्डों से बनवाएंगे तो इसकी नॉर्मल फीस जो है जो शुरू के 10 दिन के अंदर एप्लीकेबल है वो 200 रुपीज है। अगर उसके बाद आपने बनवाएंगे तो उसके बाद फर्दर लेट डॉक्यूमेंट कराएंगे और इसकी 3,500 रुपये तक जाती है फीस।